सर, लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रुझान आ रहा है, किन मुद्दों पर जनता आपसे मिल रही है, क्या मुद्दे? व्यापक सहयोग मिल रहा है, व्यापक समर्थन मिल रहा है। आजमगढ़ के लोगों के दिलों में कसक है पिछली हार की, उस हार की कसक को जीत में बदलने की तमन्ना लेके लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, जो हमारे इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने के हों, महंगाई दूर करने के हों, किसानों की आमदनी डेढ़ गुना करने का सवाल हो, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल हो, अग्निवीर की योजना खत्म करने का सवाल हो, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के स्थायित्व का सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल हो, इंडिया गठबंधन के सभी मुद्दों पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। सर, जैसा कि गुड्डू जमाली जी आपके साथ आए, तो बार बार सांसद जी कह रहे हैं कि वो जमाली केवल आए हैं, व्यक्ति विशेष आए हैं, पार्टी नहीं आई है। आप और भी बस्तियों में जा रहे हैं लोगों के बीच, तो देखिए, अब उनके बारे में मैं जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ, क्या दूँ, क्योंकि उनकी बात का ना वजन है, ना गंभीरता है, ना स्थायित्व तो है। वो स्क्रिप्ट आज कुछ दी जा रही होगी, आज कुछ पढ़ रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरी दी जाएगी, दूसरी पढ़ देंगे। केजरीवाल जी जमानत पर बाहर हैं, किस तरह से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, केजरीवाल जी के साथ लगातार गलत करने का प्रयास किया है सरकार ने, और मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने आज उनको बाहर किया, और उनके आने से इंडिया गठबंधन को एक अलग ताकत मिली है, और जनता के बीच वो अपनी बात कहेंगे, स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन को उसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद में समाज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसे धुलवाया जाता है, यह किस तरह से आप देख रहे हैं? अब वो पट्टा है मंदिर के ऊपर, उन्होंने पट्टा करा रखा, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन देश के जो 95% लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान भाई हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उन सबको ये बात दिल पर बहुत ख़राब लगी है दिल को, और लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। गारंटी और मुद्दों में कहाँ कौन बीच पड़ रहा है सर? गारंटी ख़त्म हो चुकी है, अब कोई गारंटी नहीं बची है। गारंटी थी तो पहले उस 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार का हिसाब दें, महंगाई का हिसाब दें, बेरोजगारी का हिसाब दें, किसानों की हत्याओं का हिसाब दें, जो किसान मरे हैं आंदोलन के माध्यम से। तो अब उनकी बात का ख़त्म हो गया है, ये नए नए भाषण, नए नए शब्द निकालने से जनता में अब विश्वास और भरोसा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जनता ने 10 साल पूर्ण भरोसा किया, लेकिन जनता को जितना भरोसा किया उससे कई गुना निराशा मिली है, इसलिए अब कौन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। युवा बड़ी उम्मीद से इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, रोजगार के तौर पे उम्मीद है, उम्मीद पे खरे उतरेंगे आप? इंडिया गठबंधन के सभी दलों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक इतिहास रहा है, कि जो वादे उन्होंने किए, जो बातें की, हमेशा पूरी की हैं, चाहे समाजवादी पार्टी ने की या कांग्रेस या और भी दल हैं, आम आदमी भी हैं और भी दल हैं, सब ने पूरे किए। तो जो वादे किए हैं, 6 महीने के अंदर 30 लाख नौजवानों को रोजगार देने के, किसानों की आमदनी डेढ़ गुने करने के कानून बनाने के, अग्निवीर की योजना खत्म करने के, पुरानी पेंशन को बहाल करने के, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के, सारे वादों को हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आवास सर, आपका कहाँ तक बन चुका है? आवास की बात, आवास भी आपका आवास बन चुका है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के दिलों में आवास है। तो एक हमारे साथी शिक्षक हैं अरविंद जी, उन्होंने कहा जब तक तैयार नहीं हो रहा आप आइए हमारे आवास में रहिए, तो उनके दिलों में आवास है, फिर आवास कोई बड़ी चीज़ नहीं होती।